स्टूडेंट स्टूडेंट्स आज का बाकी न्यूमेरिकल्स के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम टेंशन और एक्सेलेरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल किया था 3.4 एग्जांपल तक। अब इसके साथ एक्सरसाइज के अंदर जो न्यूमेरिकल है दैट इज 3.6 न्यूमेरिकल। तो देखते हैं 3.6 की क्या स्टेटमेंट है। टू मैसेज 52 के जी इन मैच मिलने के जी का वर्टिकली। तो वर्टिकली मोशन के लिए हमने रिजल्ट्स फाइंड किए थे कि एक्सेलरेशन का दूसरा टेंशन का यही दो फार्मूले यूज करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या कर दिया m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 इक्वल और टेंशन के लिए फार्मूला था 2 m1 m2 ओवर m1 ये अब यूज करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे और रिजल्ट्स आते हैं। पहले हम क्या करते हैं a1 ऑन करते हैं। तो a के लिए क्या है m1 माइनस m2 क्या लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू। g की वैल्यू नहीं पता हो हमें पता है कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पुटिंग वैल्यू क्या करेंगे m1 की जगह बेटी 52 m2 की जगह 48 मल्टीप्लाई बाय 10 जवाब कितना आएगा ऊपर 4 नीचे जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 आंसर आउट 4 ओवर 10 दूसरा भी हमें क्या मालूम करना है टेंशन और टेंशन के लिए सीधा सीधा फार्मूला टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू g पुटिंग वैल्यूज वैल्यूज पुट करेंगे m1 की जगह 52 m2 की जगह 48 मल्टीप्लाई बाय ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे नीचे क्या मालूम होगा राइट जी से कटिंग कर लीजिए आएगा 15 10 से अगेन डिवाइड होगा तो बचेगा 5। इसकी कैलकुलेशन के बाद जवाब आएगा 500 न्यूटन। ये रहा दूसरा जवाब। ये दो चीज़ें हमें चाहिए ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। 3.2 3.3 और 3.4 ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं सॉरी 3.2 3.3 और 3.5 जिनमें एक ही खुलिया लगेगा जिनमें सिंपल सा फार्मूला पसंद का फार्मूला लगेगा जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। पहले हम ये कर लेते हैं वेट वाले फार्मूला। तो ये आसान सा है तो ये कर लेते हैं पहले। देख लेंगे 3.2 में क्या कहता है द वेट ऑफ द बॉडी। वेट हम जानते हैं वेट इज अ फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी क्या दे रहा है हमें 147 न्यूटन। वॉट इज इट्स मैस व्हाट इज इट्स मैस। तो एक चीज़ देखिए हमसे दो चीज़ें एटलीस्ट हों तो तीसरी निकलती है। तो क्या होगा यहाँ से हम जानते हैं बेटे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जी की कीमत क्या हुआ करती है 10 मीटर पर सेकेंड से नाम भी देखो हमें पता है। अच्छा फार्मूला कौन सा यूज होगा वेट का फार्मूला ये लिखा होगा डब्ल्यू जी टू एम जी यूज करें डब्ल्यू जी टू एम जी क्या चाहिए इसमें से एम चाहिए डब्ल्यू जी जिसमें हमें पता लिया गया था जी हमें खुद पता था और क्या फाइंड करना था मैथ। आगे बढ़ते हैं 3.3 की। 3.3 में क्या कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड हाउ मच फोर्स इज नीडेड तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस मैस कितना दे रहा हूँ 10 केजी फ्रॉम फॉलिंग जी की कीमत आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ गिरे या ऊपर फेंकी जाए तो वहाँ जी का जिक्र होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्केल। हमें तो एम पूछा है तो हम जानते हैं वेट इज आल्सो फोर्स तो हम वजन ही कर देते हैं वजन फाइंड कर देते हैं वेट इज आल्सो फोर्स। सो क्या फार्मूला यूज होगा ये लिखा हुआ है डब्ल्यू जी टू
करना है, लेकिन हमें मालूम करना है W is equal to F and F is equal to Mg, putting values and की जगह 10, G की जगह 10, answer is equal to 100 और वजन का फोर्स का इंटर क्या हुआ करता है, वजन का फोर्स का इंटर रिलेशन क्या होता है, न्यूटन, कितना सा। इसी के साथ 3.5 देखिए, 3.5 हमारे कहते हैं क्या कहता है, अ बॉडी हैज वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी जिसका वजन कितना है, वेट इज अ फोर्स एंड फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, कितनी फोर्स चाहिए उस 20 न्यूटन की चीज को क्या करने के लिए, बनाने के लिए विद एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी देता है कितना, इतनी तेजी से, इतने एक्सेलरेशन से उसे ऊपर उठाना है, हाउ मच फोर्स, बेसिकली हमें टोटल फोर्स पूछ रहा है, F total हमसे पूछ रहा है। तो बेटे इसमें क्या क्रिया यूज करेंगे, क्रिया क्या आएगा, दैट इज सिंपली न्यूटन का सेकंड कानून, F is equal to ma, जब F is equal to ma से आंसर आ जाएगा, फिर हम देखना क्या करेंगे, ये फोर्स दूसरा क्रिया क्या यूज होगा, F total will be equal to F weight, ये जो भी फॉर्म करेंगे, प्लस F acceleration, एक acceleration वाली फोर्स, वजन वाली फोर्स वाली दी हुई है, एक्सेलरेशन वाली फोर्स निकालेंगे, वजन की फोर्स हमें पता है इतनी तो लगानी पड़नी है, और ये लगा के एक्सेलरेशन पैदा होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे टोटल को, आइए पहले क्या मालूम करते हैं, वजन की फोर्स तो है, क्या मालूम करते हैं एक्सेलरेशन वाली, तो एक्सेलरेशन की फोर्स के लिए सिंपल सा फार्मूला न्यूटन ने दिया था, एम ए, एम कितना बेटे, एम है दिया हुआ नहीं है, इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, एम हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट, एम कहाँ से फाइंड करते हैं बेटे, W इक्वल टू एम जी, और क्या आएगा, एम क्या बनेगा, डब्ल्यू ओवर जी, डब्ल्यू कितना बेटे 20, जी कितना 10, कटिंग होगी क्या आंसर आ जाएगा 2 kg, ये एम चाहिए था, एम 2 kg आ गया, अब एम आने से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एफ एक्सेलरेशन, एफ एक्सेलरेशन इक्वल टू इसके बराबर एम जी, एम कितना 2, एक्सेलरेशन वैल्यू दिया हुआ 2, आंसर कितना आ गया 4 बटा न्यूटन, ये है एक्सेलरेशन की फोर्स, तो टोटल फोर्स चाहिए, तो टोटल बेटे किसके बराबर होगी, एक फोर्स जो किसकी थी वेट की, प्लस दूसरी फोर्स किसकी थी एक्सेलरेशन, तो वेट की कितनी थी 20, इसका कितना है 4, और आंसर कितना आ गया 24, ये टोटल जवाब। अच्छा बच्चे आगे बढ़ते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ, और उसके साथ न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट है जी 3.5 एग्जांपल, 3.5 एग्जांपल में क्या सिचुएशन है कि बॉडी क्या करेगी, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल, दो जिस्म है, एक का मास बेटे कितना है 4 kg और दूसरे का मास कितना है 6 kg, अटैच टू द एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट द मास 6 kg मूविंग frictionlessly horizontal surface, 6 kg ऐसे है and 4 kg is vertically downward, find the acceleration in the system, क्या मालूम करो, acceleration बताओ और दूसरी चीज़ क्या बताओ, tension, अब कौन से कुलिये यूज होंगे, ये दोनों कुलिये किसके लिए हैं, जब एक जिसम टेबल के ऊपर मूव कर रहा हो और दूसरा vertically, vertical, ये दो कुलिये यूज होंगे, फार्मूले में लिख के रखे हुए, acceleration किसके बराबर, m1 over m1 plus g, ले जी एक्सेलरेशन पहले फाइंड करते हैं, जी की कीमत नहीं थी हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन किसके बराबर बेटे आएगा, लिखते हैं दर्ज करो, पुटिंग वैल्यूज, एम की कीमत 1 की कितनी है 4, एम 1 4 जमा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बनेगा, आंसर कितना है 4 मीटर पर सेकंड, ये पहला जवाब आ गया। दूसरा क्या होगा, टेंशन, टेंशन का क्या क्रिया है, m1 प्लस m2 इंटू जी, 4 × 6, 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ऊपर क्या बचा बेटे 4 × 6 = 24, नीचे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 33 आंसर क्या आ गया, और टेंशन इन फोर्स है उसका इक्वल क्या होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल देखिए, हम साथ साथ जिसका एग्जांपल के साथ जो न्यूमेरिकल देखते हैं हम साथ साथ करते जा रहे हैं, सेम सिचुएशन पे एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है,
3.7। क्या कहता है कि इसके अंदर टू मैसेज मैच की कीमतें चेंज की है, पहला ब्रैकेट 26kg और दूसरा 24kg। अटेंशन फ्रेंड्स, सिचुएशन ये है कि 26 हॉरिजॉन्टली है और 24 वर्टिकल। पिछले में क्या था, वैल्यूज कुछ और थी। सवाल फिर से कोई दो चीजें मैं नोट करें, पॉइंट द टेंशन एंड दूसरी चीज क्या बेटे, एक्सरसाइज। फिर से ये कुलिए यूज होंगे, क्या कुलिए बेटे, टेंशन इज इक्वल
-25 माइनस का आना क्या साबित क्या बताता है उसे रोकने में जो फोर्स लगेगी उसकी उसकी मोशन के खिलाफ फोर्स लगेगी जो स्टार्ट करेगी। 3.6 अब आइए इसके साथ न्यूमेरिकल कौन सा सॉल्व होगा। 3.8 न्यूमेरिकल किसी के साथ सॉल्व होगा इसी फार्मूले से जो न्यूमेरिकल हमारा हल हो गया। 2-3 न्यूमेरिकल रह गए हैं हमारे। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम टू चेंज चेंज का मतलब है Pf माइनस Pi हमें दे रहा है। चेंज का मतलब दो कीमतों के दरमियान माइनस माइनस पर दो चीजों की कीमतों के दरमियान माइनस हो तो उसे क्या पढ़ा जाता है चेंज। तो चेंज को मोमेंटम कितना दिया है 22 न्यूटन सेकंड और बाय अ फोर्स वो फोर्स कितनी देती है बेटे 20 न्यूटन। टी पूछ लिया अभी फार्मूला यूज किया है एफ इक्वल टू Pf माइनस Pi ओवर टी। ये देखिए ये भी है ये फाइट कर रहा है तो क्या लगेगा फार्मूला एफ इक्वल टू Pf माइनस Pi ओवर टी। ये उधर ले जाओ कोई ना ले आओ टी किसके बराबर Pf माइनस Pi ओवर एफ। अब क्या करेंगे पुटिंग वैल्यूज Pf माइनस Pi की जगह 22 एफ की जगह 20 तो आंसर कितना आ गया 1.1 सेकंड। चलिए जी अब अगली एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अगली एग्जांपल देखिए अगली एग्जांपल है बेटे 3.7। अ बुलेट ऑफ मैस एक गोली है जिसका मैस कितना है जस्ट 20 ग्राम। ग्राम को किससे चेंज करना है पहले किससे चेंज करना बेटे किलोग्राम 0.02 विद अ मसल इलास्टिक किसने रफ्तार से निकलती है गन में से उसकी रफ्तार कितनी है बेटे 100 मीटर पर सेकंड रफ्तार से निकली है गोली। फाइंड द रिकॉइल बताइए बंदूक गन कितनी रफ्तार से पीछे आएगी और गन का मैस कितना दे रहा है आपका मैस कैपिटल एम है वो कितना बेटे 5 kg। व्हाट इज द मसल इलास्टिक सॉरी व्हाट इज द रिकॉइल इलास्टिक कैपिटल बी मालूम करें तो बताइए कोई ऐसा फार्मूला नजर आ रहा है जिसमें कैपिटल एम कैपिटल बी स्मॉल एम स्मॉल बी हो तो ये फार्मूला ये फार्मूला किसमें था ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्या क्या पता है कैपिटल एम पता है स्मॉल एम पता है स्मॉल बी पता है क्या मालूम करना है कैपिटल बी मालूम करना है। तो चलिए रीअरेंजमेंट में ये फैक्टर कहाँ चला जाएगा राइट साइड में तो क्या बन जाएगा माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा करें वैल्यूज पुट करें क्या आएगा माइनस 0.02 बी की जगह 100 और कैपिटल एम की जगह 5। जब आप इसे कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जी आंसर विल बी माइनस 0.0 माइनस आना क्या साबित करता है देखा गोली आगे की तरफ जा रही है तो बंदूक गन की तरफ आनी पीछे की तरफ आना उसके साथ माइनस आना उसको साबित कर रहा है कि गन पीछे की तरफ आएगी। ये था 3.7 एग्जांपल। अब इसके साथ जो न्यूमेरिकल साथ होगा कोई भी इसके साथ न्यूमेरिकल नहीं है ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 3.8 आखिरी एग्जांपल क्या है बेटे सेंट्रीपेटल फोर्सेस का तालिक है 3.8 क्या कहता है 3.8 में अ स्टोन ऑफ मैस एक पत्थर है जिसका मैस कितना बेटे 100 ग्राम अटैच टू अ सिम धागे के साथ बांधा गया है और धागा रस्सी कितनी लंबी है रेडियस की है कितनी लंबाई की है 1 meter। द स्टोन इज रोटेटिंग इन अ सर्कल पत्थर का आगे के साथ बांध के घुमाते हैं ना सर्कल में घूम रहे हैं और कितनी रफ्तार है घूमते हुए 0.5 meter per second। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या बताइए टेंशन बताइए बेटे टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स टेंशन इज ऑल्सो अ फोर्स हमने टेंशन को किसके बराबर रखते हैं फोर्स के और कौन सा ऐसा फार्मूला जिसमें एम आता हो बी आता हो आर आता हो एफ आता हो ये देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा एम वी स्क्वायर ओवर आर दर्ज कीजिए टेंशन विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर कीम का दर्ज करो एम की जगह ग्राम को जरा केजी में बदलिए तो 100 ओवर 1000 0.1 केजी दर्ज करो जरा 0.1 बी की जगह 5 का स्क्वायर आर की जगह 1 आंसर विल बी 2.5 न्यूटन। फोर्स टेंशन इज अ फोर्स और टेंशन का फोर्स का आंसर क्या आता है किस में न्यूटन्स का। आप बेटे हमारे से दो न्यूमेरिकल बचे वो करते हैं सिंपल वेरी सिंपल सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल 3.9 हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
फ्रिक्शन पाई थी के फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है. बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस, लकड़ी का एक ब्लॉक है कितने केजी का, 5 केजी का, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, मार्बल का फर्श है नीचे उसके ऊपर लकड़ी का. अच्छा दूसरी चीज क्या रहता है, म्यू की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, जिससे जाहिर करते हैं कितना है इसका कांस्टेंट की वैल्यू, 0.6 इसका कोई यूनिट नहीं होता, कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं है यहां पे, इस कांस्टेंट का यूनिट नहीं है. जी की कीमत हमें कुछ और है कितनी होती बेटे, 10 पर सेकंड स्क्वायर. तो जरा बताइए क्या फार्मूला है, क्या पढ़ा था, म्यू इक्वल टू एफ एस ओवर आर, और यहां से बताइए एफ एस किसके बराबर आ जाएगा, म्यू इनटू आर, और आर किसके बराबर होता है, एम जी रिएक्शन वजन के बराबर. आइए फार्मूला यूज करते हैं, तो एफ एस देखिए किसके बराबर, म्यू एम जी, क्या कीमत है म्यू की, 0.6, एम की कितनी है 5, जी की कितनी है 10, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन. ये 1 सेकंड आ गया. आखिरी न्यूमेरिकल है बेटे, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इसका ताल्लुक है जो मैं लास्ट में दिया था, हाउ मच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कीजिए. तो मेक अ बॉडी ऑफ मैस, कितना मैस है बॉडी का, 0.5 kg, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस कितना सर्कल का जिसमें घूमना है, 50 सेंटीमीटर बना लिया, तो सेंटी को मीटर में बना लेते हैं, 100 से डिवाइड 0.5 मीटर, आगे का स्पीड, और स्पीड कितनी दे दी गई है, 3 मीटर पर सेकेंड. कौन सा फार्मूला भी यूज किया था, एम वी स्क्वायर ओवर आर, जस्ट वैल्यूज पुट कीजिए एम वी स्क्वायर ओवर आर में, एम की जगह बेटे 0.5, वी की जगह 3 का स्क्वायर, और आर की जगह 0.5, उसकी कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 न्यूटन. ये थे बेटे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी. यस, मजीद हमारी वीडियोज़ के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.